नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिले में कार्यवाही अपने चरम पर है। इसी के तहत ग्वारा में भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। एक वेयर हाउस की बाउंड्री वाल भी धराशायी की गई। वर्षों से बने वेयर हाउस की बाउंड्री वाल को जमीन दोज कर दिया गया है। यह कार्रवाई SDM बड़ा मलहरा नाथूराम गोंड और तहसीलदार ग्वारा सुनील वर्मा के निर्देशन पर की गई। दोपहर के समय भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अमले ने गुनगुन वेयर हाउस की बाउंड्री वॉल को JCB से जमीन दोज कर दिया। हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि रमेश चंद्र जैन मौके पर मौजूद नहीं थे। पुत्र रत्नेश जैन की मौजूदगी में प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। हालांकि लोगों में चर्चा का विषय ये भी है कि भाजपा नेता के वेयर हाउस को नोटिस देने के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक द्वारकाधीश वेयर हाउस जो कि भगवा रोड पर बना हुआ है, जानकारी के मुताबिक शासकीय नंबर में बना है, जिसका कारण बताओ नोटिस तहसीलदार ग्वारा ने 24 दिसंबर को दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मध्य प्रदेश शासन की जमीन पे जो भी माफिया अतिक्रमण करेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है एक वेयर हाउस का भी हमने अभी कार्रवाई करी और हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने भी अतिक्रमण किया था, उस पर भी कार्रवाई की है। और ये शासन या मध्य प्रदेश शासन की जमीन का जो भी अतिक्रमण होगा वो नियमानुसार उनकी अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। और जो माफिया है उनको भी FIR लॉन्च करने की कार्रवाई भी की जाएगी।